आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड के अंदर में मैक्रो का क्या काम होता है। व्यू मेनू में जाएंगे, व्यू मेनू के अंदर में मैक्रो दिया हुआ है मैक्रो, और रिव्यू मेनू में आप जाएंगे तो थेसाइरस। ये दो चीज़ के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं व्यू में मैक्रो के लिए। तो मैक्रो होता क्या है? मैक्रो का डिफिनेशन होता है कि रिकॉर्ड ऑल यूजर एक्टिविटी, हमारे हर काम को वो रिकॉर्ड करके रखता है, हमारे हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, हम लोग उसको मैक्रो बोलते हैं। तो सबसे पहले मैक्रो का हम लोग यूज कैसे करेंगे? तो इसका हम लोग कोई भी वर्क करने से पहले हम उसको रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसके बाद उसमें जो काम आप करेंगे उसको वो रिकॉर्ड करके रखेगा। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग उसको स्टॉप करेंगे और उसको इस मैक्रो के व्यू के माध्यम से हम लोग उसको देख सकते हैं। तो कोई भी आप काम कीजिए, आपको सपोज कीजिए कि हमें आप एक लेटर बनाए हैं, हम आपको इसके बाद करके बताएंगे। दूसरा, इसका यूज हम लोग इस सेंस में कर सकते हैं, कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए कि हम कोई काम करते हैं, ऐसे होम में ही जाते हैं और पेज सेटअप का कंसेप्ट रहता है, हमको बार बार ऐसा हर एक पेज में करना पड़ता है, तो आप चाहें तो इसको ऑटोमेटिक सेट कर दे, तो ये हर पेज में आपको ऑटोमेटिक लेते रहेगा, जब चाहे आप कर दे। ये इस सेंस में इसका काम करने के लिए हम लोग को यूज करता है। सपोज कि हमारा एक पेज है, हम लोग इस पर करके देखते हैं कैसे कैसे यूज करेंगे। तो आप व्यू में चलिए, यहाँ मैक्रो दिया हुआ है। मैक्रो में क्या करेंगे? रिकॉर्ड न्यू मैक्रो करते हैं। रिकॉर्ड न्यू मैक्रो में गया, मैक्रो का नाम पूछा, मैक्रो का नाम सपोज कीजिए कि हम लोग कुछ दे देते हैं QW, आपको जो मन है मैक्रो का नाम आप दे सकते हैं, आप इसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद आप जो कोई भी काम करेंगे, जो भी करेंगे इसके अंदर में, ये रिकॉर्ड करके रखेगा, जब चाहे जिस रूप में आप चाहे उसको यूज करते हैं। सपोज कीजिए कि मैक्रो हम चालू कर लिए, अब हम लोग ये पेज लेआउट में जा करके हम लोग मार्जिन सेट करते हैं। हम मार्जिन इसलिए करके समझाते हैं कि हम जब कोई नया पेज लेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा ये मार्जिन सेटिंग करके आएगा। बार बार हम लोग मैक्रो का इसी में हम लोग काम करते हैं कि बार बार हमको एक ही काम करना नहीं पड़ा, इसलिए हम लोग इसको रिकॉर्डिंग करके कोई कीवर्ड से बना देते हैं और उसमें जो चाहे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए टॉप में मार्जिन हम लोग 1.25 छोड़ते हैं, बॉटम में भी 1.25 छोड़ते हैं, ये लेफ्ट राइट है 1.5 रखते हैं, यहाँ पे भी आपको 1.5 लेते हैं। अब ये हो गया, ये 48 मोड में ही रहेगा। यहाँ पे पेपर का साइज आपका A4 साइज है, ये ले लिए। तो ये लेआउट में सब अपना सेटिंग है, ये सब चीज़ ये हम लोग कर लिए। सपोज कीजिए कि इसको ओके कर दिए, तो ये हमारा मैक्रो स्टार्ट में इतना रिकॉर्ड हो गया। जब भी हम चाहेंगे किसी चीज़ में कैसे भी हम लोग इसको यूज करके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हो गया मैक्रो में, फिर हम लोग चलते हैं व्यू में चलेंगे, यहाँ पे मैक्रो दिया हुआ है, वह लिखा हुआ है स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो इतना काम का ही हम लोग अभी समझते हैं, उसका फिर और हम बताते हैं, हमें स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लिए। तो ये हमारा मैक्रो चालू हो गया। अब सपोज कीजिए कि इसको यूज करके हम लोग को देखना है, हम एक नया फाइल लेते हैं, Ctrl+N करिए, Ctrl+N करके हम लोग न्यू ले लेते हैं। तो आप देखेंगे पेज लेआउट में हम जाके यहाँ देखते हैं कि हमारा जो मार्जिन है, यहाँ पे मार्जिन में आप चलिए, यहाँ कस्टम मार्जिन खोलते हैं, तो हमारा ऐसे मार्जिन लियो टॉप वन बॉटम वन लेफ्ट वन, ये इसी में मैक्रो को हम लोग यूज कर देते हैं, मैक्रो हम चला देते हैं। तो मैक्रो चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्यू में जाएंगे, मैक्रो में यहाँ व्यू रिकॉर्डिंग दिया हुआ है, अब यहाँ पे हम QW दिए थे और इसको रन करा दीजिए। जो ही रन कराएंगे कि इस पेज का जो सेटिंग होगा ऑटोमेटिक वो ले लिया होगा। आप चाहें इसमें चल के पेज लेआउट में आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे मार्जिन में जाएंगे, कस्टम मार्जिन में जाइए, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया। तो मैक्रो का काम क्यों होता है? मैक्रो का यही यूज है कि हम बार बार हमको एक चीज़ करना नहीं पड़े, उसका कोई कोड करके हम लोग कोई डिफाइन कर देते हैं, और जब हम चाहे जहाँ चाहे उसको यूज करेंगे ऑटोमेटिक वो हमारा ले लिया करेगा। तो ये हमारा मैक्रो का काम हो जाता है। दूसरा कंसेप्ट है कि सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं कि कुछ लिख करके आपको बताए, कुछ समझाए यहीं पे, तो हम यहाँ पे फिर से चलते हैं व्यू मेनू में, चलते हैं मैक्रो में, चलते हैं और रिकॉर्ड न्यू मैक्रो करते हैं। रिकॉर्ड न्यू मैक्रो कर में फिर नाम दे दीजिए, जैसे ERT दे देते हैं और ओके कीजिए, यहाँ पे आप ओके कीजिए। अब हम इसमें सपोज कीजिए हम ये लिखते हैं, यही हम लिखते हैं, तो हमारा ये सब रिकॉर्ड होते रहेगा जो भी करेंगे। सपोज कीजिए कि गैप देता है, हम इसमें काम करते हैं,
ये हमारा इतना गैप नहीं रहे, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ भी आपका गैप आया है, तो हम आपको पहले भी पढ़ाए थे कि होम में जाएंगे, सपोज कीजिए कि आप पैराग्राफ में चलते हैं, यहाँ पे बिफोर आफ्टर लिए हुए तो जीरो करते हैं, यहाँ पे भी हम इसको जीरो करते हैं और इसको हम लोग ओके कर लेते हैं। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। तो सपोज कीजिए भी इतना ही वर्क किया, इतना ही हम काम किए, तो ये हमारा इतना ही रिकॉर्ड हुआ होगा। फिर हम व्यू में चलते हैं, फिर मैक्रो में जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग में इसको स्टॉप कर दीजिए, आपका हो गया। किसी कारण से मिट जाता है या इसको आप इसको मिटाइए, हमको फिर वही सब चाहिए यहाँ पे जो हम काम किए थे कल परसों, जब जिस समय में चाहिए आप मैक्रो का यूज करके आप देख सकते हैं। व्यू मैक्रो में आप चलिए और यहाँ पे ERT नाम हम दिए थे और इसको रन करा लिए, तो देखिए ऑटोमेटिक आ गया। तो ये मैक्रो का कंसेप्ट हो जाता है कि जब भी हम लोग कोई काम करेंगे तो मैक्रो के अंदर में रिकॉर्ड करके रखेगा, उसको जब चाहेंगे जिस समय में चाहे हम लोग मैक्रो को काम करके देख सकते हैं या हम लोग को कर सकते हैं। तो ये हमारा मैक्रो का कंसेप्ट होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हम लोग कोई कैमरा वगैरह चालू करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद वो काम करता है फिर स्टॉप करते हैं, उसी तरह से मैक्रो में कोई काम करने से पहले आप रिकॉर्ड कीजिए, जो भी करना है मैक्रो में पूछता है, मैक्रो में आपका नाम पूछेगा, नाम डाल के जो भी वर्क करेंगे उसके बाद इसमें स्टॉप रिकॉर्डिंग का प्रोसेस रहता है, आप स्टॉप कीजिए और स्टॉप करने के बाद व्यू मैक्रो के माध्यम से जाकर के हम लोग इसका काम देख सकते हैं। ये हमारा मैक्रो का कंसेप्ट हो जाता है, हम लोग उसको मैक्रो में करके जानेंगे। दूसरा कंसेप्ट हम आपको इसमें बताए थे कि ये रिव्यू मेनू में आपका थेसाइरस का कंसेप्ट है। तो थेसाइरस में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो सपोज कीजिए कि हमारा कोई टेक्स्ट है, थेसाइरस का काम क्या होता है, थेसाइरस में किसी वर्ड का समानार्थक शब्द आप ले सकते हैं, सिनोनिम्स हम लोग इसको बोलते हैं, सिनोनिम्स हम लोग लेना इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखता भी है, अब लाएंगे तो सजेस्ट अदर वर्ड्स विथ ए सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड यू हैव सिलेक्टेड। कोई भी वर्ड हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसका समानार्थक शब्द मिलता जुलता वर्ड हमको ये देगा, ये हम लोग थेसाइरस में यूज करके जानते हैं। सपोज कीजिए कि कोई वर्ड हम टाइप किए हैं, हमको उसमें वो वर्ड नहीं चाहिए, उसके बदले में कोई दूसरा वर्ड मिलता जुलता वर्ड हम लोग यूज करना चाहते हैं, वो हम लोग को चाहिए। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे एक लिखे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे अब तैयार किए हैं, जैसे सी इज ब्यूटीफुल गर्ल लिखे हैं, तो हम चाहते हैं कि ब्यूटीफुल के जगह पे कोई दूसरा वर्ड आ जाता समानार्थक शब्द, उसको हम लोग यूज कर सकते थे। तो आप इस वर्ड को ब्लॉक बनाइए, ब्लॉक बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि जहाँ पे है रिव्यू में चलिए थेसाइरस दिया हुआ है, इस थेसाइरस पे आप क्लिक कीजिए। यही थेसाइरस पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको इस साइड में दिया गुड लुकिंग, ये स्ट्रकिंग हाई, ये फाइन लुकिंग, अट्रैक्टिव, हैंडसम और अगली, यानी क्रूप, एंटोनिम्स भी बताता है, इसका एडजेक्टिव में भी आपको बताता है। तो हमको इसमें से इसके बदले में कोई वर्ड चाहिए, सीज हम चाहते हैं कि फाइन लुकिंग चाहिए, अट्रैक्टिव चाहिए, हैंडसम चाहिए, हैंडसम यूज करना चाहते हैं। तो जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखता है इंसर्ट कॉपी लुकअप, तो इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, आप चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं, और लुकअप करेंगे तो इसके बदले में कुछ आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे सीज हैंडसम गर्ल आ गया, इसके बदले में आप ये चाहे हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग यहाँ पे बॉय एक लिखे हैं, तो इसको आप ब्लॉक बनाइए, इसको ब्लॉक बना करके फिर हम लोग थेसाइरस मांगते हैं, इससे हम लोग को ऐसा दिया साइरस गुड के लिए दिया आपको हाई इलेक्ट्रिक, ये गुड क्वालिटी फर्स्ट क्लास सुपीरियर फाइन, और पुअर इसका इंटोनिम्स देता है। तो आप सपोज कीजिए कि हाई क्वालिटी या फर्स्ट क्लास जो भी चाहते हैं, यहाँ से है, यहाँ पे कॉपी है, कॉपी कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, या इसके बदले में लुकअप करेंगे तो और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे व्हाट्सअप दिखाया, फर्स्ट क्लास दिखाया, फर्स्ट क्लास से रिलेटेड आपको दिखाया, फिर हम लोग चाहे तो इससे बैक हो सकते हैं। तो ये हमारा थेसाइरस का कंसेप्ट हो जाता है। तो किसी भी वर्ड का समानार्थक शब्द की अगर जरूरत पड़ेगी तो आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे भी कोई वर्ड हम लोग टाइप किए हैं, सपोज कीजिए कि हम कंप्यूटर का ही थेसाइरस वर्ड, मिलता जुलता वर्ड अगर चाहते हैं तो आप इसको ब्लॉक बनाइए और फिर थेसाइरस पर जाकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया प्रोसेसर, CPU, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, मेन फ्रेम, ये सुपर कंप्यूटर, वर्क PC, लैपटॉप, नोटबुक, जो आपको चाहिए। तो ये थेसाइरस का कंसेप्ट होता है कि किसी वर्ड का समानार्थक शब्द, सेम मीनिंग, जो जिसको हम लोग सिनोनिम्स भी बोलते हैं, आप इंटोनिम्स भी जान सकते हैं, ये हमारा थेसाइरस का कंसेप्ट होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखे कि वह मैक्रो का व्यू के अंदर में मैक्रो का क्या कंसेप्ट रहता है, इसका कैसे यूज करेंगे, फिर रिव्यू के अंदर में हम लोग जाएंगे थेसाइरस का क्या कंसेप्ट रहता है, दो हम लोग जाने। तो हमारा ये वीडियो आज के लिए इतना ही रहेगा, थेसाइरस और मैक्रो के बारे में बताए, आप इसको यूज करके देखेंगे, करके देखेंगे, आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए।
शेयर इसलिए ज़रूरी है, शेयर करने के बाद आप वेलकम आइकन में जाके ऑल कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम आपको बनाए समय समय पे आपको मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता रहेगा। आप उसको देखिए और देख करके उसको करके यूज करके ट्राई करके करने का कोशिश कीजिए। और अगर ऐसा कुछ ऐसा वीडियो जो आपको चाहिए तो आप हमको कमेंट में लिख भी सकते हैं कोई स्पेशली, तो हम आपको बनाने का कष्ट करेंगे।